वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं जीडी फिटनेस। आज हम करेंगे कंप्लीट चेस्ट वर्कआउट विद डंबल्स एट होम। आज मैं आपको बताऊंगा हमारे घर में आसपास पड़ी चीजों को यूज करके कैसे हम कंप्लीट चेस्ट वर्कआउट कर सकते हैं। सो फॉलो विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। लाइक यू बी स्ट्रांग टू होल्ड द पावर्स ऑफ द सन। तो गाइस सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप। स्ट्रेचिंग इज द मेन की फॉर एनी वर्कआउट। तो गाइस आप देखो, पहले शोल्डर को रोटेट करना है, उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। आपको सामने जो पुश करते हैं वॉल को पुश करते हैं, वैसे पुश करना है। आज हम चेस्ट कर रहे हैं, पहले पूरी चेस्ट को हम स्ट्रेच करेंगे अच्छे से ताकि मसल एक्टिवेट हो जाए, ब्लड फ्लो ज्यादा हमारे बॉडी में जाए, ताकि इंजरी की चांसेस कम से कम हो। और अपने हाथ को रोटेट करना है क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, जैसे पर्ची घुमाते हैं ना वैसे घुमाइए। सेकेंड हैंड क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, चेस्ट को अच्छे से एक्टिवेट कर लो। अब हम गाएंगे पुशअप। हाथ ले रखते हैं थोड़ा सा वाइड, अपनी चेस्ट के पास हाथ को ले जाने हैं, हैंड्स को ले जाने हैं, ऑल द वे डाउन स्लो होल्ड एंड अप। आपके अपने ग्लूट्स देखो कुछ स्ट्रेट रहेंगे, बैक स्ट्रेट, फेस सामने, चेस्ट अप, स्लो एंड अप, ब्रीथिंग ब्रीथ आउट, ब्रीथिंग ब्रीथ आउट, कंटिन्यू आने 10 to 12 रेप। आप ज्यादा भी लगा सकते हैं, जितना आपका स्टेमिना है उसके हिसाब से आपको अपने पुशअप कराने। अब आते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज पे। हम लगाएंगे फ्लैट बेंच पे डंबल फ्लाई। अगर आपके पास स्टूल हो, टेबल हो, उस पर हम लगाएंगे, नहीं तो फ्लोर पे भी लगा सकते हैं डंबल फ्लाई। स्लो डाउन होल्ड एंड अप, डंबल गिराने नहीं है, अगर गिरा लेते हैं तो गिराना नहीं है। स्लो ब्रीथिंग ब्रीथ आउट, मसल स्ट्रेच एंड स्क्वीज, स्ट्रेच एंड स्क्वीज, कंटिन्यू ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, कंटिन्यू। आपको आवाज आनी चाहिए, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, स्लो होल्ड। तो लाइक हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसमें अपना पानी पियो, बीसी डबल ए पियो, कंटिन्यू हमें रेस्ट करना है 45 सेकंड का। इसके बाद हम जाएंगे अपनी सेकंड एक्सरसाइज पे। अब हम जाएंगे अपनी डिक्लाइन। डिक्लाइन के लिए हम फ्लोर पे जाएंगे और अपने ग्लूट्स को अप कर लेंगे। देखा हो उसी पोजिशन में हम आ गए। हम घर पे भी कर सकते हैं फ्लोर पे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, डंबल टच नहीं करने। तो गाइस हमारी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज। तो गाइस हमारी थर्ड एक्सरसाइज है डंबल प्रेस डिक्लाइन पे। अपनी ग्लूट्स उठाओ एंड डंबल प्रेस, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, स्लो बिल्कुल लेकर मसल को फील करना है। डंबल टच का भी कोई जरूरत नहीं है। ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन, 10 टू 12 रेप्स लगाने, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, कंटिन्यू मसल को फील करना है। फटाफट ऐसे ऐसे रेलिंग मारने कोई फायदा नहीं होता, शोल्डर पे वो कहीं नहीं आएगा। चेस्ट मसल को फील करना है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, कंटिन्यू वाइज फील करना है हमें। तो इसके बाद हमारे अभी अब इनक्लाइन पे। अब घर पे इनक्लाइन कैसे रहे, आपका जो केबल केबल पड़ी है उसके लिए आप स्टूल ले रहे तो बहुत है लकड़ी ऐसे, उसके ऊपर रख के हम उसको इंक्लाइन करेंगे। तो भाई अब हम करेंगे डंबल प्रेस इंक्लाइन के ऊपर। ये हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप, मसल को स्ट्रेच करो, फील करो, स्ट्रेच एंड स्क्वीज, स्ट्रेच एंड स्क्वीज, स्ट्रेच एंड स्क्वीज,
कंटिन्यू इसे होल्ड रखना है थोड़ी सी 1 सेकंड की एंड आउट, होल्ड एंड आउट कंटिन्यू क्लाइंट बैक टू एनालाइज इनकी ब्रीथ आउट कंटिन्यू फील करना है मसल माइंड कनेक्शन कंटिन्यू बनाए रखना है। ये हमारी होती है फोर्थ एक्सरसाइज। जब हम करेंगे फिफ्थ एक्सरसाइज आप देखो फ्लाई करते हैं जिमों में ये वो फ्लाई करते हैं ना, आज हम डंबल से फ्लाई करेंगे स्ट्रेच एंड स्क्वीज स्ट्रेच एंड स्क्वीज स्ट्रेच एंड स्क्वीज। टेबल में रखते टेबल दोनों साइड से पकड़ते हैं उसी तरह हम डंबल से करेंगे स्ट्रेच एंड स्क्वीज स्ट्रेच एंड स्क्वीज स्ट्रेच एंड स्क्वीज कंटिन्यू 10-12 करना है ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ये हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज होती है गाइस। आज हमारे चेस्ट का वर्कआउट यही खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आई तो अभी कभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में फैला दो वीडियो को, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो अभी कभी इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। एंड गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड राधे राधे।